नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। मैं हूं आपके साथ आपका दोस्त अतुल प्रताप सिंह। जूतियों में खीर, क्या कभी आपने कहावत सुनी है, मुहावरा सुना है? शायद नहीं सुना होगा, लेकिन हरियाणा में ये काफी प्रचलित है और हरियाणा में राजनीति करने वाले जो लोग हैं एक दूसरे पर तंज कसते हुए अक्सर इन मुहावरों का इस्तेमाल करते हैं। जो ताजा मुहावरा इस्तेमाल किया गया वो जेजेपी ने कांग्रेस के लिए किया है। जेजेपी के मुखिया अजय चौटाला, उनसे जब मीडिया से बातचीत का दौर चल रहा था उस बीच में कांग्रेस को लेकर सवाल पूछा गया और कहा गया कि भाई कांग्रेस की स्थिति क्या दिखाई देती है, तो बड़ा मुस्कुराते हुए इस अंदाज में उन्होंने सिर्फ इस मुहावरे का इस्तेमाल किया, कुछ कहने की जरूरत है भाई, कांग्रेस में तो जूतियों में हर दिन खीर बढ़ती है, अब आप स्वाद चखते रहिए। दरअसल ये तंज इसलिए कसा गया अजय चौटाला की तरफ से क्योंकि कांग्रेस के संगठन को लेकर लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। ये बार बार कहा जा रहा है कि लगभग 9 साल हो गए और चुनावी साल आ गया, अभी भी संगठन खड़ा नहीं हो पा रहा, प्रभारी बदल दिए गए, प्रदेश अध्यक्ष बदलवा लिया गया, लेकिन फिर भी जो प्रदेश के नेता हैं वो अलग अलग गुटों में ही बटे हुए नजर आते हैं, वो एक मंच साझा नहीं कर पा रहे हैं। कहने को, दिखाने को, बताने को, जताने को ये कह दिया जाता है कि सब एक है, कांग्रेस एक है, लेकिन जब किसी रैली का जिक्र होता है, जब किसी मंच को साझा करने की तस्वीर आती है, तब फिर से वही दौर दिखाई देता है और ये मुहावरा वहां पर सटीक बैठ जाता है। ये कहा जाता है कि असल में ये मुहावरा ही असल में कांग्रेस के लिए बिल्कुल मुफीद है। इसी वजह से अजय चौटाला ने कहा कि कांग्रेस ना तो संगठन बना पा रही, कांग्रेस ना तो अपने पार्टी के नेताओं को एक पर कर पा रही है, और कांग्रेस असल में अपने यहां पर एक दूसरे पर ना सिर्फ जूतम पैजार करती है बल्कि अगर खीर भी बढ़ता है वहां पर तो खीर भी जूतियों में बढ़ती है। अब आप स्वाद उसका चखते रहिए कि कितना अच्छा और कितना बढ़िया स्वाद होगा, उस खीर को आप खा पाएंगे या फिर आप सिर्फ खीर को देखते रहिए और स्वाद चखते रहिए। इस बात को कहते हुए उन्होंने तंज तो कसा ही, साथ में ये भी कह दिया कि कांग्रेस की स्थिति अभी तक नहीं है, ये स्थिति आगे भी बनी रहेगी क्योंकि वहां पर मुख्यमंत्री पद के दावेदार भी इतने हैं, बड़े बड़े कद के नेता भी इतने हैं, उनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उनके बयान भी अपने आप में बड़े शानदार हैं जिससे कि पार्टी के नेता ही दूरी बना लेते हैं। तो ये सारी चीजें ऐसी हैं जिसको कुल मिलाकर अगर हम लबोलुआब देखें तो कांग्रेस को बहुत ज्यादा सीरियस लेने की जरूरत नहीं है, कांग्रेस अपने पार्टी के अंदर ही काफी है एक दूसरे को सिरपटवल करने के लिए, एक दूसरे को नीचे गिराने के लिए, खींचतान करने के लिए, और इसी का फायदा बीजेपी और जेजेपी जो कि सत्ता का सुख भोग रही है उन दोनों पार्टियों को आने वाले निकट भविष्य में, निकट चुनाव में भी मिलेगा। और ये तंज फिलहाल कांग्रेस के ऊपर बिल्कुल सटीक बैठता हुआ दिखाई देता है क्योंकि मौका भी कांग्रेस पार्टी, उनके नेता, उनके पदाधिकारी विपक्ष को दे रहे हैं।